ये स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन का नेक्स्ट पार्ट हैविंग सिमिलर जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड भी है कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है यहां देखिए अमोनिया टेट्राहेड्रल जोमैट्री है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है वाटर टेट्राहेड्रल है इसका मतलब लीनियर सिस्टम नहीं है और ये C2H4 ट्राइगोनल प्लेनर है CHCl3 टेट्राहेड्रल है और SO3 ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये हमारा आंसर बन गया C क्वेश्चन नंबर 22 अ स्पीशी विद डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट ट्रांस वन टू डाईक्लोरो इथेन का तो हो नहीं सकता ब्रिलियम क्लोराइड लीनियर ब्रिलियम क्लोराइड लीनियर है लीनियर में इक्वल डाइपोल कैंसिल कर देते हैं ये ऑप्शन नहीं हो सकता बेंजीन बेंजीन हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन का डायपोल मूवमेंट नहीं होता जीरो होता है डेल्टा डेल्टा में देखें ये दोनों ग्रुप ट्रांस पे लगे हुए हैं अगर ट्रांस पे लगे हुए हैं तो इक्वल डायपोल कैंसिल कर देंगे ये भी जीरो तो फिर एल्फा बच गया यूजुअली पोलर होते हैं और ट्रांस आमतौर पर नॉन पोलर होते हैं ट्वेंटी थ्री विच एज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में है अगर डी स्टूडेंट्स आपको याद हो क्रोमियम और कॉपर की कंफिग्रेशन अब नॉर्मल है क्रोमियम और कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाता है एस से डी में ये देखिए क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप किया डी में गया और क्रोमियम के पास छह अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा कॉपर में भी होता है तो यहां पर सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में है मैगनीज में, में पांच होते हैं और ऑक्सीजन में दो होते हैं सबसे ज्यादा क्रोमियम में तो आंसर बन गया अल्फा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच हैजपेड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन बोरॉन में होते हैं सी जो ऑक्सीजन है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और टू प्लस टू में ऑक्सीजन ओ टू में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एंटी बॉन्डिंग में होते हैं N2, minus में भी दो अनपे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एंटी बॉन्डिंग में होते हैं तो आप यूट्यूब पे मेरा चैनल क्लिक करके ये ट्रिक देख सकते हैं ये स्टूडेंट शेप ऑफ पी एफ थ्री मॉलिक्यूल फास्फोर्स का तलक पांचवें ग्रुप से है पांचवें ग्रुप का मतलब है पांच इलेक्ट्रॉन है पांच इलेक्ट्रॉन इसने तीन बाड बना लिए तीन बांड बनाए हैं तो एक लोन पेयर बच गया इसका मतलब है एक लोन पेयर तीन बॉन्ड है तो ये मुनिया जैसा सिस्टम होगा ट्रायगोनल पायराीटर डेल्टा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट डे स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी में दो जगह पे अब नॉर्मल ट्रेंड है एक दूसरे और तीसरे ग्रुप में और पांचवें और छठे में दूसरे और तीसरे में से तीसरे की ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कंफिग्रेशन स्टेबल दूसरे की होती है तो दूसरे की ज्यादा हो जाती है तीसरे से और पांचवें की आयनाइजेशन एनर्जी छठे से ज्यादा हो जाती है हालांकि छठे की ज्यादा होनी चाहिए तो इसका मतलब है तीसरा ग्रुप भी अब नॉर्मल है और छठा ग्रुप भी अब नॉर्मल है क्योंकि छठे ग्रुप की ज्यादा होने की बजाय कम हुई है पांचवें की ज्यादा नहीं हुई एक्चुअली छठे की काम हुई है दूसरे की ज्यादा नहीं हुई तीसरे की काम हुई है तो ये सेकंड वाले की ज्यादा है तो सेकंड वाले की देखे मैग्नीशियम एलुमिनियम से ज्यादा है मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से एलुमिनियम तीसरे से तो बिल्कुल ठीक है यही आंसर है कैल्शियम और बेरियम में से कैल्शियम की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि दोनों का ग्रुप सेम है तो साइज सम्माल किसका है कैल्शियम का नाइट्रोजन no कार्बन में से नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अक्रॉस तो दी पीरियड नाइट्रोजन राइट साइड पे आता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन का तलक पांचवें ग्रुप से ऑक्सीजन का छठे से है तो आंसर डी स्टूडेंट सी बन जाएगा 27 इन विच बॉन्ड एंगल इज मिनिमम वाटर में 104.5 अमोनिया में 107.5 H2S में 92 और NF3 में 102 तो सबसे कम H2S में है याद रखिएगा जितना सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता जाएगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा इसका मतलब है डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल कम होते हैं

सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, सबसे बड़ा साइज सीजियम और सबसे स्मॉल साइज हीलियम का होता है क्वेश्चन नंबर सेवन है दो नाइट्रोजन है फोर्टीन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया थर्टीन अब नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर प्लस वन में थर्टीन इलेक्ट्रॉन है तो फ्रैक्शन में आएगा इसका मतलब थ्री नहीं हो सकता अब चूंकि मैक्सिमम थ्री होता है एन टू में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉइंट फाइव का फर्क पड़ेगा तो ये टू पॉइंट फाइव आ जाएगा शेयर करवा चुका हूँ केमिस्ट्री विद डॉक्टर गुलजार मोहम्मद बाकी चैप्टर के भी करवा रहा हूं तो आप वो केमिकल बॉन्डिंग के ट्रिक भी देख सकते हैं जो आपको चंद सेकंड्स में एमसीक्यू सॉल्व करवा देंगे थैंक यू वेरी मच